And I wish everybody all the best. I wish Sunburn all the best. I've had a very gharwala relation with them. India's number one festival. I'm performing. Glad to be a part of Sunburn always. And yeah. Anjali, what do you want to say about Sunburn? मुझे इस बारे में नहीं पता है, मुझे अली बताएगा अभी. और अली ने मुझे इनवाइट किया था बट मैं नहीं आ पाऊंगी बिकॉज मैं हूँ नहीं यहाँ पर. ओके, व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोडक्शन फ्रंट? जैसे आपने कहा कि गाना आने वाला है, गाना आने वाला नहीं आ चुका है. आप सबने सुना है कि नहीं सुना मेरा न्यू गाना दिल जले? अंबानी ये तो विशाल पांडे. थैंक यू. कुछ बताइए, विशाल पांडे के साथ गाना आया है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, गाना ट्रेंडिंग पे है और लोगों को बहुत अच्छा लगा है वीडियो. यार मुझे वो गाना बहुत पसंद है. वैसे दिल जलो की तो दुनिया है ही, है ना? क्या बात. और दिल तो सभी का धड़कता है. पहले सैया दिल में आना रे, फिर दिल जलो अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहे अंजलि जी. अब क्या है ना, बॉलीवुड ने हमें बेवकूफ बनाया था ना. प्यार एक बार नहीं होता, बार बार होता है. बार बार होता है. अजय, आर यू फॉलोइंग करण जौहर? यस, थोड़ा थोड़ा. किस लिहाज से? दिल कभी भी, दिल बार बार टूट सकता है, बार बार प्यार हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. अगर किसी एक सेलिब्रिटी को बॉलीवुड से, टीवी इंडस्ट्री से और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से किसी को ले जाना हो अपने साथ क्रूज पे, तो किसे लेके जाएंगे? मैं खुद ही नहीं जा रही यार, मैं खुद ही नहीं जा रही. ये वाला चॉइस मेरा ब्रो है ना मेरे साथ, इनफ, आई डोंट नीड एनीवन. इनके अलावा, इनका नाम ले लेंगे, इनके अलावा किसको क्रूज पे लेके जाओ? वो लॉकअप के घर से किसी को. जीशान ब्रो. जीशान, जीशान ब्रो, जीशान है, पूनम है, साइशु है, किसी को भी मिलवा सकते हैं. आपने अपनी लिस्ट बता दी. तो यार लॉकअप ही क्रूज के अंदर बनना चाहिए, पता है. बहुत मजा आएगा. अंजलि, क्या खास अच्छा है, क्या आपको कुछ मेमोरीज याद हैं, कुछ यादें ताज़ा हैं जो क्रूज पे आपने पहली बार विजिट किया हो? नहीं, मैं नहीं गई आज तक. क्रूज पे जाना चाहेंगी? हाँ, फॉर श्योर, व्हाई नॉट. क्या आपको अच्छा लगता है क्रूज के बारे में, क्या बुरा लगता है? मुझे, मैं नहीं गई हूँ वहाँ पर तो मुझे नहीं पता है उसका. और क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब क्रूज पे जाते हो? मैं बोल रही हूँ मैं नहीं गई हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग घूम फिर गए ऐसे यार. अरे नहीं, उसको पता है मुझे नहीं पता है. समुद्र चारों तरफ. आई विल ट्राई कि मैं जा सकूँ, बट अगर मैं फ्री हुई तो मैं ज़रूर जाऊँगी. कुछ आपके बारे में जानना, उससे पहले कुछ पूछना है आपसे. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर. और मैं एन टीवी सीरियल का पैरेलल लीड रह चुका हूँ. मैंने कई ये इश्क नहीं आसान के एपिसोडिक कर चुका हूँ. एक रिसेंटली अमावस गाना आया था, उसके लिए लीड अमावस गाना भी किया है. एंड अभी मैं दो मराठी मूवीज़ साइन कर चुका हूँ और एक हिंदी वेब सीरीज साइन कर चुका हूँ. और फिल्म फेयर लेटेस्ट एडिशन में भी मेरा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ है. आई एम अ नेशनल स्नूकर प्लेयर और आई हैव 26 स्नूकर ट्रॉफीज एज वेल. अरे क्रूज तो यार, क्रूज मतलब आई फील क्रूज इज अ वाइब विच एवरीबडी शुड यू नो गो एंड एक्सपीरियंस इट. इट इज़ द बेस्ट थिंग. हम बहुत बार घूमने जाते हैं, रोड ट्रिप करते हैं, बट क्रूज इज समथिंग डिफरेंट आई फील, जिसका वाइब होता है. एंड स्टेबिन पर्सनली इज माई वेरी फेवरेट आर्टिस्ट, तो इवन ही इज़ देयर, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड आर्टिस्ट आर देयर, सो आई थिंक जाके एन्जॉय करना चाहिए बस. I mostly enjoy my vibe. Drink ke saath masti bhi honi chahiye, aur when you have all your friends together, it is the best thing to go. There is no barrication over anything. It's the good place to have a party. What happened with the pipeline? Yeah, pipeline is I'm doing a web series right now, which is be coming on Zee Music. One music video is there, and Zee pe aur ek web series ka lined up hua hai. सो होपफुली ये साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे जो मैंने कोविड के बाद भी काम किया है. सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी मोर रेनाउंड टिल नाउ. आई हैव नेवर रियली गॉन क्रूजिंग. आई रियली वांट टू, आई विश टू, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. या अगर वहाँ जाना चाहो, किसकी कंपनी पसंद करते हो आप? फर्स्ट फैमिली ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज द टाइम आई गेट टू स्पेंड विद देम. और शूट पे तो बिजी रहती हूँ, अभी मैं आई इस टाइम पे. आप दोनों की वेब सीरीज आने वाली है, जी, के बारे में लोगों का प्यार काफी मिल रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. कैरेक्टर दो है, नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट लेवल. थैंक यू. पीपल आर सेइंग दैट दे आर नॉट स्कैर्ड, दे आर फॉलोइंग इन लव विद मी. आई एम लाइक, अरे यार है इतनी प्यारी नायरा, क्या करें. तो
डराने की कोशिश जारी है वैसे ग्रीन आईज और वेज वेज दिखा के बट लेट्स सी बट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ लव एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर वेब सीरीज वी शॉट कपल ऑफ मंथ्स अगो एंड फाइनली इट्स रिलीजिंग ऑन द 28th या ऑफ कोर्स Both. Of course. Sach mein? No, I met him after very long time now. Bahut time baad mile and honestly, I don't really go out. I hardly go clubbing or go to any events. So, he's in town and he's like, chal. I'm like, thik aa, chal. Tell us something about your web series coming up with Naira. Tell us something about it. Well, I'm very, very happy कि मैं one of the best actors के साथ काम कर रहा हूँ. She is such an amazing co-star. और जो वेब सीरीज हुई भी और मिली भी वो भी यू नो समवे आई गिव हर क्रेडिट क्योंकि मुझे प्रोडक्शन हाउस मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मैं ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था एंड शी इज़ लाइक अरे क्या कर रहा है तू मैं हूँ तेरे ऑपोजिट बोला ओ ओके इमीडिएटली मैंने कॉल किया यार अब तो करना ही है सो दैट्स हाउ इट हैपेंड नारा जी एक सवाल पूछना था दंगल में जिस तरह का आपका रोल था वो कैरेक्टर काफ़ी अलग है ईसा जी का कैरेक्टर है बट मैं देख रहा हूँ जिस तरह का प्यार मिलता है दोनों में काफ़ी हाई है एंड ईसा जी ने आपको रियली वेल टेल अस समथिंग द काइंड ऑफ लव दैट यू रिसीव फ्रॉम योर फैंस I got immense amount of love in Dangal as well, the Raksha Bandhan, my show. And here, too, it's even more because here I'm playing the title role and the story is about Pishachini. So the love is even more over here. And I'm enjoying all the antics that I do, all the stunts that I do, the way I scare people or the way I mean, in a very lovingly, I'm trying to patao people. I want to hear the laughter, hai na? Wo hasi mein jo maza hai na, wo kaun kaun sunna chahta hai? Arre baap re. Hai na? चलो यार एक बार तो बनता है ओके थैंक यू सो मच गाइस